तीन महीनों की असमंजस और अफवाहों के बाद फाइनली राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया कि अब उसे तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। कहने का मतलब उसके जो शेष बोर्ड एग्जाम हैं उसको उसे अब करवाना है। उसके लिए सरकार ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया, सारे जो दिशा निर्देश हैं वो भी जारी कर दिए। और उसके बाद जैसा कि स्वाभाविक था, कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ अभिभावक इस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे कि कहीं ना कहीं कि ये बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा है और होना भी चाहिए। तो इस चीज़ पर अपन बाद में लौटते हैं। सबसे पहले अपन पॉजिटिव लेकर चलते हैं और अपन यही लेकर चलते हैं कि बोर्ड को एग्ज़ाम करवानी चाहिए ताकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका महत्व है वो बरकरार रहे। तो उसके लिए कुछ आपके प्रश्न, उनके जवाब और कुछ जो दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो बिफोर मूविंग ऑन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड न्यू वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात कर लें उन नियमों की जो नियम सरकार ने जारी किए हैं। वे बच्चे कक्षा 10 और कक्षा 12 के वे स्टूडेंट जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो देने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हमें परीक्षा केंद्र पर एक घंटे पहले है वो पहुंचना होगा और ये अपने को सुनिश्चित करना होगा कि हम एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले एक घंटे पहले हम पहुँच जाएँ। ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम है वो करवाने का निर्णय लिया है। और इसके लिए जो हालांकि सरकार ने कहा है कि थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है वो की जाएगी, अगर ऐसा नहीं भी होता है तो फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए गेट से प्रवेश है वो आप लोगों को दिया जाएगा। तो बेटर यही है कि हम पहले पहुंच जाएं ताकि इजीली है वो परीक्षा सेंटर के अंदर है वो प्रवेश कर सकें। दूसरी चीज, प्रत्येक स्टूडेंट को मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर बिना मास्क लगाए हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें परीक्षा से वंचित रखा जा सकता है, तो मास्क लगाना है वो कंपलसरी है। उसके बाद अपन बात करें तो गवर्नमेंट ने सभी परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए हैं कि एग्ज़ाम से पहले सभी जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको सैनिटाइज करें। बट फिर भी मेरा आपसे पर्सनल सजेशन यही है कि साथ में सैनिटाइजर की एक छोटी सी बोतल है वो अपने साथ में रखें। उसके बाद अपन बात करें, सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एग्ज़ाम है वो करवाई जाएगी, उसके लिए किन्हीं भी दो स्टूडेंट के बीच का गैप 6 फीट रखना होगा। तो वो टीपने वाली बात है वो तो अब भूल ही जाओ आप लोग। तो 6 फीट के गैप पर दो स्टूडेंट हैं वो बैठेंगे। तो उसके लिए प्रत्येक कक्षा में 60% उपस्थिति पहले जितना होता था उसके कंपैरिजन में अब 60% उपस्थिति है वो रखने के आदेश दिए गए हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए पहले अगर 20 विद्यार्थी एक रूम में बैठते थे तो अब उसमें केवल और केवल 12 स्टूडेंट उस रूम में अब बैठेंगे। उसके बाद अपन बात करें, जितने भी सेंटर हैं, एग्ज़ाम सेंटर हैं, उनके गेट पर गवर्नमेंट ने कहा है कि सैनिटाइजेशन और साबुन से हाथ धोने की प्रॉपर है वो व्यवस्था है वो करवाई जाएगी। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं, एग्ज़ाम देने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं, सैनिटाइज लगाएं, एग्ज़ाम देने के बाद भी यही करें जो आपके लिए है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद बात करें एग्ज़ाम सेंटर की, चलो वो आपके प्रश्नों से ले लेते हैं। अब कुछ प्रश्न जो हमारे लिए जानना, उनके उत्तर जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहला प्रश्न कि क्या परीक्षा केंद्रों में बदलाव होगा। अब दोनों के लिए अलग अलग डिस्कस कर लें। सबसे पहले कक्षा 12 की बात करें, कक्षा 12 के कंपलसरी के पेपर यानी हिंदी और इंग्लिश के पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उनके बच गए अब ऑप्शनल। ऑप्शनल में आपको पता है भीड़ वैसे ही कम रहती है, तो गवर्नमेंट के पास पर्याप्त रूम अवेलेबल हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनमें पर्याप्त रूम अवेलेबल हैं। तो कक्षा 12 के परीक्षा केंद्र जो हैं वो सरकार चेंज नहीं करेगी। कक्षा 10 की बात करें, कक्षा 10 में तो सभी जो एग्ज़ाम्स होती हैं सब में जो भीड़ होती है बच्चों की वो समान होती है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो कक्षाओं की संख्या भी बढ़ाई जानी है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 60% जो बच्चे हैं उन वो एक रूम में रखे जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो जो रूम हैं उनकी संख्या है वो गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ेगी। फिर अगर बात करें तो परीक्षा सेंटर भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो कुछ उपकेंद्र बनाने के हर ज़िले के जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया है कि आप उपकेंद्र हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए कक्षा 10 के लिए परीक्षा सेंटर चेंज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और होंगे भी। दूसरा प्रश्न, क्या प्रवेश पत्र दोबारा जारी होंगे,
बिल्कुल, अगर आपका एग्जाम सेंटर चेंज होता है तो एडमिट कार्ड है वो दोबारा गवर्नमेंट को जारी करने होंगे और उनमें उन्हीं परीक्षाओं का टाइम टेबल होगा जो आपकी बची हुई है। अगला प्रश्न अपन लेते हैं कि कुछ एग्ज़ाम जो सेंटर थे, कुछ स्कूलें थी, उनको क्वारंटाइन सेंटर है वो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था, तो अब वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आ गए, तो उन क्वारंटाइन सेंटर में एग्ज़ाम सेंटर लगाने के लिए, उन क्वारंटाइन सेंटर के लिए क्या करना होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उससे पहले, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से पहले हम उस सेंटर को कई बार है वो सैनिटाइज करवाएंगे, तो ये भी ठीक है। उसके बाद कई लोग बार बार प्रश्न कर रहे थे कि क्या टेंट लगाकर और बाहर धूप में क्या परीक्षा आयोजित होगी, तो जैसा कि जो गर्मी और जो आंधी का जो मौसम चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम जो होगी वो केवल रूम के अंदर ही होगी, किसी भी प्रकार के टेंट वगैरह में एग्ज़ाम नहीं होगी। अगला प्रश्न, कब तक जारी होगा रिजल्ट? जितनी एग्ज़ाम पहले हो गई थी, बोर्ड की जितनी एग्ज़ाम पहले हो गई थी, वो बोर्ड ने क्लियर कहा है कि उनकी सभी की उत्तर पुस्तिकाएँ हैं वो जांच हो चुकी हैं, अब बची ये वाली एग्ज़ाम। तो पहली बात तो बोर्ड ने कहा है कि इसके जो पैकेट्स हैं, जैसे कि 450 कॉपी हैं वो एक एग्ज़ामिनर को मिलती हैं चेक करने के लिए, तो उनकी संख्या कम कर दी गई है, 300-300 के बंडल के आधार पर ये कॉपी हैं वो एग्ज़ामिनर्स को पहुँचाई जाएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी कॉपी चेक हो, उसका रिजल्ट तैयार हो और जुलाई के सेकेंड वीक के लास्ट तक जो कक्षा 10 और कक्षा 12 है, कक्षा 10 में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, उसके दो हैं, तो कक्षा 10 को अपने मान सकते हैं कि जुलाई के लास्ट तक रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है, और कक्षा 12 का जो रिजल्ट है वो सेकंड वीक के लास्ट में जुलाई में या फिर थर्ड वीक के स्टार्टिंग में आ सकता है। उसके बाद में और अंत में, क्या अब भी चांसेस हैं कि परीक्षा है वो रद्द हो जाए? तो 90 मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 95% एग्ज़ाम होगी, केवल 5% ऐसे चांसेस हैं। मान लीजिए अगर ज़्यादा ये मुद्दा तूल पकड़ता है तो केवल 5% ऐसे चांसेस हैं तो कि एग्ज़ाम है वो निरस्त हो सकती है, तो हम ऐसा नहीं माने, हम ये मान के चलें कि हाँ एग्ज़ाम होगी, हमें एग्ज़ाम देनी है, हमें हमारा बेस्ट करना है, अच्छा खासा अभी भी आपके पास टाइम है, उसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन आप तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट, और सभी के अंत में सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामना मैं करता हूँ। थैंक यू सो मच।